सो के गए। अभी मैं आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो रूम की जो एंट्री है वो इस की से होगी और मेरा जो रूम नंबर है वो 202 है। तो यू जस्ट स्कैन एंड देन इन, और एज यूजुअल सारे कार्ड यही डालने होते हैं। ये डालते ही फर्स्ट व्यू रूम का ये है, जो कि काफ़ी मतलब फील करा रहा है मुझे अच्छा वाला। अंदर घुसते ही मुझे यहाँ पर मिला एक कबर्ड, डबल डोर कबर्ड है ये, जिसमें ऊपर यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं सॉरी यही ब्लैंकेट और यही एक्स्ट्रा पिलो है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर मुझे दिया गया एक सिक्योरिटी केस, और यहाँ पर कुछ स्पेस जहाँ मैंने अपना बैग रख दिया है, और यहाँ पर कुछ शूज़ वगैरह का स्पेस, और यहाँ पर मुझे अपने कपड़ों के लिए हैंगर वगैरह मिल चुका है। तो अभी बात करते हैं इसके जस्ट सामने वॉशरूम की, वॉशरूम कैसा है। तो वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ तो अंदर घुसते ही मुझे मिल गया यहाँ पे वॉश बेसिन, और यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर जो कि आपके भाई का है फेवरेट, और ये मेंशन करना मैं कभी नहीं भूलता। और अभी बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल गई मुझे सीट, और यहाँ पर शावर एरिया जो कि क्वाइट गुड स्पेस, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और वापस अगर मैं बात करूँ आपको क्लीनिनेस की, तो काफ़ी अच्छा है, फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर है एक्स्ट्रा लगेज या फिर आप शूज़ वगैरह पहनते हो तो उसके लिए स्पेस। यहाँ पर फिर से एक और मिरर, मतलब निहारते रहो अपने आप को और मज़े करते रहो। तो फिर बात करते हैं हम अंदर में, सबसे पहले यहाँ पर तो यहाँ दिया गया मुझे एक मिनी बार। मिनी बार में कुछ भी नहीं है पर मैं ला के रख सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री की अगर मैं बात करूँ तो मुझे मिल जाता है टी एंड कॉफ़ी मेकर, उसके साथ दो कप, एंड यहाँ पर वही टी और कॉफ़ी बेसिक जो भी है, वाटर मिल जाता है, और एक रेगुलर वाटर के लिए थम्सअप, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जग। और यहाँ पर एक किंग साइड बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा मुझे बेड मिल जाता है। यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी लैंपिंग की हुई है जो कि बहुत अच्छा लुक कर रही है और इसको बहुत ही इन्हेंस कर रही है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टीवी और टेबल की, तो दैट इज़ क्वाइट गुड। टीवी यहाँ पर है 65 इंच की, जो कि काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर एक काउच भी मिला है मुझे जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर अगर मेरे पास कोई गेस्ट आते हैं, अगर मैं कोई मीटिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं रूम में एक बार करने के लिए सो सकता हूँ। सेकेंड यहाँ पर मुझे वर्क टेबल मिल जाती है, ये जो व्लॉग होगा वो आपका भाई यहाँ बैठ के इन्जॉय करेगा और आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा व्लॉग बनाने की कोशिश करेगा, और आपके लिए वो नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, दिस इज़ फॉर इन्फोटेनमेंट ऑल्सो। और यहाँ पर हम बात करेंगे इस ब्यूटीफुल से व्यू की, तो दैट इज़ पापरिको गाइस, दैट इज़ पापरिको। पूरी वॉल ही आपको मिल जाती है विंडो, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आपको रूम कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर आप लोग। यहाँ पर मुझे एसी ये वाली मिल जाती है, और यहाँ पर रूप लाइट है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, क्वाइट गुड। और यहाँ पर कुछ नीचे स्पेस है तो बढ़िया है। और अगर मैं आपको यहाँ के सॉफ्टनेस की बात करूँ तो दिस इज़ कम्फर्टेबल। तो अब हम बात करेंगे इस रूम की कॉस्टिंग की, मुझे ये रूम कॉस्ट क्या कर रहा है और किस जगह पर है ये रूम, तो वो अभी हम लोग अब बात करेंगे इसके बारे में। सो ओके गाइस, अब हम लोग बात करेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब मैं आप इस प्रॉपर्टी की कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। ये प्रॉपर्टी जयपुर में सीतापुरा के अंदर है, और 4 to 5 star रेटिंग करती है ये। 4 to 5 कैसे, कहीं पर ये 4 star, कहीं पे 4.3, 4.5 एंड 5 star रेटिंग करती है। और इसकी जो प्राइस है काफ़ी तगड़ी है, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। इसकी प्राइसिंग पड़ती है अराउंड 4,500 से लेके 5,000 तक, फ्लैक्चुएशन करती रहती है। अब वो बेस्ट ऑफ़र चल रहा हो तो आपको उसके अंदर इंक्लूड ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है, और वो चीज़ है। और प्रॉपर्टी का अगर मैं कहूँ तो बिग थम्सअप है इस प्रॉपर्टी को, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इस प्राइस रेंज के अंदर। और बाकी तो मैं आप लोगों को बजट रेंज से लेके लग्जरियस लाइफ तक सारी होटल्स दिखा चुका हूँ जयपुर के अंदर, तो मैंने सोचा कि एक और दिखा दी जाए आप लोगों के लिए। पैसे छो लगे यार, आप लोगों के लिए बस वीडियो तगड़े वाले आने चाहिए। कई लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं इससे भी महंगी वाली, तो उनके लिए भी वीडियोज़ हैं, और जो नहीं कर सकते उनके लिए भी वीडियोज़ हैं। तो ये अपना जो चैनल है सबके लिए यार। तो अब हम बात करेंगे इस होटल की प्राइसिंग की बात होगी, इस होटल की लोकेशन की बात होगी। तो अभी तो बातें तो सारी हो ही गई है, तो
अभी बाकी क्या रह गया। हाँ, तो मैं इस होटल को आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अगर आप आना चाहें तो आप एक इस बजट के अंदर अपनी फैमिली के साथ ये टूर प्लान कर सकते हैं। जयपुर का जगतपुरा से हाईली 5 से 6 किलोमीटर दूर होगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर और एयरपोर्ट से भी कुछ अराउंड 8 या 10 किलोमीटर दूर होगा ये, तो काफ़ी अच्छी जगह पे लोकेटेड प्रॉपर्टी है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको एंटरटेनमेंट के साथ इन्फोटेनमेंट भी लगा होगा, आपको एक क्लियरिटी हो गई होगी कि आप ऐसी होटल स्टे करते हैं तो आपको कितना खर्चा आने वाला है, और जहाँ तक मैं कर सकता था आपके लिए बेस्ट उतना मैंने करने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा तो बिग थम्स अप, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी जर्नीज करते रहते हैं, अपने वीडियोस दिखाइए उनको ताकि उनके लिए लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, चिल देन, कीप वॉचिंग, हंसते रहिए अपनी फैमिली के साथ, खाते पीते रहिए, वंदे मातरम गाइस। अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।